यौन संबंधों के लिए ज्यादातर महिलाएं सुरक्षित उपायों का इस्तेमाल करने लगी हैं। NFHS की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में कॉन्डम का इस्तेमाल करने वाली गैर शादीशुदा महिलाओं की संख्या में 10% का उछाल आया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक यौन संबंध के लिए गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने वाली अविवाहित महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल देश में 34% अविवाहित महिलाएं यौन संबंध बनाने के लिए गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर रही हैं। इनमें से 32% महिलाएं कॉन्डम, गर्भ निरोधक दवाइयां लेने के अलावा नसबंदी जैसे आधुनिक गर्भ निरोधक उपायों को अपना रही हैं। वहीं बीते 10 साल में अविवाहित महिलाओं में कॉन्डम के इस्तेमाल की दर 2% से बढ़कर 12% हो गई है। जिन महिलाओं के बीच ये सर्वे किया गया है उनकी उम्र 15 से 49 साल के बीच है। वहीं विवाहित महिलाओं के बारे में ये सर्वे कहता है कि 99% विवाहित महिलाएं कम से कम एक गर्भ निरोधक उपाय के बारे में जरूर जानती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके बावजूद ये सभी महिलाएं सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। रिपोर्ट के मुताबिक 54% विवाहित महिलाएं गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करती हैं और इनमें से महज 10% ही आधुनिक गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करती हैं। गर्भ निरोध उपायों का इस्तेमाल करने में पंजाब सबसे आगे है, जहां 76% महिलाएं इसे अपनाती है, जबकि बिहार, मणिपुर और मेघालय इस मामले में सबसे पीछे है। यहां केवल 24% महिलाएं गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करती हैं। नमिता सिंह की रिपोर्ट, गो न्यूज़।